रूमर हैज इट कि प्रियंका है आजकल काफी खफा आदित्य चोपड़ा से। अब इन दोनों चोपड़ास में क्या बन गई वजह अनबन की, चलिए जानते हैं इन डिटेल। दरअसल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज प्रियंका है काफी खफा विद आदित्य कि उन्हें कोई वायर एफ बैनर की फिल्म ऑफर नहीं हो रही है और उन्हें छोड़कर उनकी कंटेम्प्रेरीज कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा को दी जा रही है फिल्म्स पर फिल्म्स। हम आपको बता दें कि कटरीना इज कास्ट ऑपोजिट इमरान फॉर मेरे ब्रदर की दुल्हन एंड ऑपोजिट सलमान फॉर एक था टाइगर, और अनुष्का फिर जमाएंगी अपना रंग विद हर बैंड बाजा बॉय रणवीर अपनी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के साथ। हमारे इनसाइडर्स ने हमें बताई इस अनबन की असली वजह। दरअसल प्रियंका ने यशराज बैनर के साथ फिल्म इम्पॉसिबल की थी और इस उम्मीद से की थी दैट आफ्टर दिस फिल्म उन्हें यशराज प्रोडक्शंस फिर से कंसीडर करेंगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और होता भी कैसे, आखिर प्यार इम्पॉसिबल ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कुछ कमाल दिखाया ही नहीं और हो गई एक बड़ी फ्लॉप। और ये बात प्रियंका भी जानती थी फ्रॉम डे वन कि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगी। हमारे सोर्सेज की माने तो अब प्रियंका हर एक क्लोज वन को अपना ये दुखड़ा सुना रही है कि उन्होंने यशराज का तब साथ दिया जब उन्हें खुद भी पता था कि उनकी ये फिल्म एक फ्लॉप है और इसीलिए उन्हें है ऑब्जेक्शन स्पेशली उनके बड़ी आदित्य चोपड़ा से। वेल प्रियंका, हम तो आपसे यही कहेंगे दैट व्हाई टू वरी, जब आपके हाथ है डॉन 2, बर्फी और अग्निपथ जैसी बड़ी बड़ी फिल्म्स। आप अपना एफर्ट आपकी इन फिल्म्स के थ्रू हमें दिखाइए, हम तो इससे भी खुश हैं टिल द टाइम यू गिव अस हिट्स ऑन हिट्स।